नमस्कार। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर बता दे कि आरोपों बयानों पर भूपेश बघेल का बड़ा जवाब। उन्होंने कहा कि सवालों से बचना भागना कायरता है, हम कांठ वाली भाजपा नहीं बल्कि काम वाली कांग्रेस हैं। बता दे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिन पहले कोरबा की जनसभा में कांग्रेस के खिलाफ चुनावी अभियान का आगाज किया। उन्होंने अपने बयानों से राज्य सरकार पर आरोप लगाए, 4 साल के कामकाज का हिसाब मांगा। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन सभी आरोपों बयानों पर बिंदुवार जवाब दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को फेसबुक पर एक लंबी पोस्ट डाली। उन्होंने लिखा कि सवालों से बचना भागना कायरता है, हम भाजपा नहीं बल्कि कांग्रेस हैं। छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कोरबा में नवा छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर कई आरोप लगाए, कई गलत तर्क प्रस्तुत किए और कई दावे भी किए हैं। हालांकि कई आरोप बिना होमवर्क के सुनाई देते हैं। संभवतः भाजपा का प्रदेश नेतृत्व अपने नेता को गुमराह कर रहा होगा। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो हिस्सा है, लेकिन आरोप से बचना कायरता है, हम कांठ वाली भाजपा सरकार नहीं बल्कि काम वाली कांग्रेस सरकार है। गृह मंत्री ने कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार बनानी होगी। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब दिया कि माननीय गृह मंत्री जी, आपको भी यह अच्छी तरह से पता होगा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा का क्या हाल है। उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी ने और आपके पार्टी के नेताओं ने 15 साल तक छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत ठगा, अब यहाँ के लोग नहीं ठगाने वाले हैं। किसानों को आपकी पार्टी ने झूठे आश्वासन दिए, झूठे वादे किए, आप लोगों के सारे झूठ किसानों को याद है। उन्होंने कहा कि जंगल के वासियों और आदिवासियों के साथ किस तरह से अत्याचार हुए हैं, वे लोग इस बात को भी नहीं भूले हैं। जल जंगल और जमीन के मालिक होने के बाद भी वे गरीबी में जीने के लिए मजबूर हुए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में कामकाज संभाले केवल 4 साल ही हुए हैं, इन थोड़े दिनों में ही यहां के लोगों ने कांग्रेस और भाजपा की कथनी करने में फर्क समझ लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि रही बात मोदी जी की, तो यहां के लोगों ने मोदी जी की नीति रीतियों को अच्छी तरह से देख समझ लिया है। काले कानून और किसान आंदोलन के दमन को यहाँ के लोग कभी नहीं भूल पाएंगे।